الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر إلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان. آج دوسرا رمضان ہے اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کو دینی معلومات, صحت کے حوالے سے معلومات پوری طرح سے پہنچا سکیں اپنے مہمانوں کی مدد سے. اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان ہوں گے. خواتین حضرات, آج دوسرا روزہ ہے اور سب کو دوسرا روزہ بھی بہت بہت مبارک ہو. اور بہت سارے گھروں میں آج
बच्चों का पहला रोज़ा होगा और उस घर में बड़ी खुशी होती है जी, बड़ा एहतमाम किया जाता है रोज़ा कुशाई का पहले दिन, और उन माँ बाप को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने आज अपने बच्चे का पहला रोज़ा रखवाया है। और बच्चों आप फिक्र ना करें, अभी बस तकरीबन पौने दो घंटे रह गए हैं, अफ्तारी जल्दी होने वाली है और आपके पहले रोजे की बड़ी खुशी होती है, हमेशा याद रखा जाता है और बच्चों को याद रहता है। हमें भी अपने बच्चों का याद है पहला रोजा जी। अच्छा, हम आज जो है आज भी हमारे साथ दुर्रे शहवार मौजूद होंगी किचन कॉर्नर में, जो हमें बताएंगी अफ्तारी में क्या चीज बना रही हैं। और इधर हमारे पास आलमा मौजूद होंगी राजिया, जो कसतुल कुरान वो किस्सा सुनाएंगी, बयान करेंगी, बच्चों को आसान लफ्जों में किस्से सुनाएंगी जी। अच्छा जी, आज अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ देखने में आती है ख़वातीनों हज़रात के, अब गर्मी के रोज़े हैं और जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, अब बड़ी अच्छे तरीके से हम वेलकम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है, गर्मियाँ होती हैं, लोग काम के लिए निकले होते हैं, सड़कों पर, बाज़ारों में, मार्केट्स में आपने देखा होगा कि बर्दाश्त ख़त्म होना शुरू हो जाती है, लोगों ने रोज़ा रखा होता है और एक दूसरे पे ट्रैफिक आमने सामने गाड़ियां लगा के, वो कहता है तुम हटाओ, वो कहता है तुम हटाओ, तो बर्दाश्त जो है वो बड़ी कम होती है हम लोगों में। और ये महीना हमें सब्र की तलकीन करता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी, ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, तो हमें बहुत बर्दाश्त करना चाहिए, हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा इन दिनों में देखने में आता है कि हम उलझ पड़ते हैं और अगले पे एहसान करते हैं कि जी यार मेरा रोज़ा है, मेरा दिमाग ख़राब ना कर, सबका मतलब ही रोज़ा है और गर्मी भी है। और बड़ी बात है कि ये लोग हमारे लिए भी दुआ करें, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि जो इस गर्मी के रोज़े रख रहे हैं जी जी, वो भी एक सब्र का ही काम है। और आज का हमारा मौजू भी सब्र का जी, इरशाद बारी ताला जी, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करो। और आज हम सब्र के बारे में अपने उलमा इकराम से बहुत सारी बातें करेंगे, उसके अलावा हमारे साथ मेहमान भी होंगे, समाजी कारकुन भी हैं एक, और एक हमारी टीवी की आर्टिस्ट हैं, हमारी बड़ी अच्छी हमारी सीनियर हैं, उनके साथ हमने काम भी किया है और बहुत सारी मुलाकातें भी रही हैं, आज उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे जी कि आप अपना रमज़ान कैसे गुजारते हैं, बचपन की कुछ बातें वो हमसे शेयर करेंगी, और आजकल शूटिंग्स हो रही हैं तो रमज़ान है, ये भी उनसे पूछेंगे जी कि शूटिंग्स में रमज़ान में शूटिंग कैसे करते हैं, रोज़ा भी होता है तो खाने पीने के भी सीन आते होंगे, वाकई ये तो हमें भी पता है और उनसे शेयर करेंगे, वो भी बताएंगे आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा जी, वक्त हुआ जी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो हमारे साथ मोहम्मद अली रज़ा साहब हैं, अली रज़ा, और आप माशाल्लाह जी नात खान नेशनल असम्बली में भी आप नात पढ़ते हैं और माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी, और इतनी छोटी उम्र में जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। अली, नात रसूल मकबूल के लिए आपकी तरफ चलते, रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रोज, आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रोज, हर वक्त मदीने की दुआ, मांग अरे मांग, हर वक्त मदीने की दुआ, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। भर जाएगा कश कोल मुरादों से तेरा भी, भर जाएगा कश कोल
मुरादों से तेरा भी बन कर मेरे आका का गदा मांग, अरे मांग। देता है करम उनका सदा मांग, अरे मांग। मायूस ना हो ये मेरे लजपाल का दर है, मायूस ना हो ये मेरे लजपाल का दर है किस लिए खामोश खड़ा मांग, अरे मांग। देता है करम उनका सदा मांग, अरे मांग। सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाजी, मैं सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाजी। सरकार ने जिस वक्त कहा मांग, अरे मांग। देता है करम उनका सदा मांग, अरे मांग। क्या बात है। जी, जी जी जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दे हैं और हमारे मेहमान भी हमारे साथ। जी, मेहमानों का तारुफ कराता चलो। जी, जैसे आपको पता है कि रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, इनका तारुफ लेकिन फिर भी अब तो सबको याद हो गया होगा, लेकिन नाम बताना ज़रूरी है। जी, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद शेखुल हदीस हैं जी, मरकज़ी दारुल इस्लाम से, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा इलामा बिशारत इमामी साहब, TNFJ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप फिर तशरीफ लाए। शुक्रिया। और इंशाल्लाह अभी तो 28 रोजे बाकी हैं, 28 दिन हम इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे जी। और इधर मैं ख्वातीन का भी तारुफ करा दूँ, मलीहा हुसैन हमारे साथ हैं, माशाल्लाह इंसानियत की खिदमत करती हैं और मेहरगढ़ के नाम से एक इदारा चला रही हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई। और उनके साथ ही हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट, बहुत आजकल बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, हर ड्रामे में माशाल्लाह नजर आ रही हैं, बंद टीवी में भी नजर, बंद टीवी में और माशाल्लाह हर तरह का रोल किया और खुद ड्रामे भी प्रोड्यूस किए और माशाल्लाह बहुत कामयाबी से इनका सफर जारी है। लैला जुबैरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। शामदीद कहते हैं और आपको रमज़ान मुबारक, रोज़े मुबारक। जी, आप सबको भी और तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक। थैंक यू जी, खैर मुबारक। अच्छा जी, आज का हमारा मौजू है सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र, जो हम लोगों में तकरीबन ख़त्म हो चुका है, होता नहीं जा रहा, ख़त्म हो चुका है। और ये महीना हज़रत आपसे बात करूँगा कि ये महीना हमें सब्र के लिए क्या कहता है और किस क्या तलकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माह मुबारक बतौर ख़ास सब्र के हवाले से इस पूरे महीने के लिए जी नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये सब्र का महीना है। और जो रोज़ा है, रोज़े के बारे में हदीस पाक में आता है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अस्सौम निसफ सब्र, जो रोज़ा है ये आधा सब्र है। यानी आधा सब्र तो रोज़े के ज़रिए से ही मिल जाता है जी, जी। और रोज़े के अलावा बाकी जो है वो सब्र दीगर अमाल से हासिल करना चाहिए। जैसे कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो सूरह बकरा में अल्लाह करीम जल्ला जलालहू फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, कि ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो जब कोई सब्र से मदद हासिल करता है यानी मुश्किलात में और परेशानियों में, यानी बिलखसूस जब इंसान को ख्वाहिशात मजबूर कर रही होती हैं कि वो उनकी तकमील करे,
लेकिन वो अपने आप को उधर से रोक लेता है। जब किसी इंसान को गज़ब और जलाल आ जाता है और वो आग की तरफ भड़क उठता है और वो बोलना चाहता है लेकिन वो सब्र कर लेता है, तो वो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह करीम फरमाता है इन अल्लाह माअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ये याद रखिए कि जो लोग किसी ज्यादती का बदला ले लेते हैं तो उनका तो बराबर हो जाता है बदला, लेकिन जो लोग सब्र कर लेते हैं तो जालिम के परखचे उड़ जाते हैं, क्योंकि जालिम को ये पता नहीं चलता कि उसने जुल्म किया था और इस वजह से आज दुनिया में उसके लिए मुश्किलात आई हुई हैं। वो बड़े हीले बहानों से और मुख्तलिफ रास्तों से अपनी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असल में बात ये होती है कि उसने किसी पर जुल्म किया था और मज़लूम ने सब्र कर लिया था और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बदले में उसकी मदद की है और जालिम को दबा दिया अल्लाह तआला ने। तो ये बहुत बड़ा एक मोमिन के पास सरमाया है सब्र का, अगर ये किसी इंसान के पास आ जाए तो दुनिया और आखिरत उसके लिए रोशन हो जाती है। जी इमामी साहब, आप सब्र के बारे में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन मौजू का इंतखाब किया है आपने और माह दो रमज़ान मुबारक है। इस हवाले से तो ज़ाहिर है कि ऐसा मुकदस महीना जिसका ताल्लुक ही सब्र के साथ है। बेशक। अब सब्र का आगाज़ कहाँ से होगा? ज़ाहिर है मैं दूसरों को तलकीन करता फिरूँ, तीसरों को करता फिरूँ, आप मसलन एक प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, अब उसको सबसे पहले अपने आप पर नाफिज करना है। अब रोज़े का फलसफा क्या है कि हर बंदा जो है वो बुखार प्यासर यानी सब्र कर रहा है ना जी। अब इस सब्र को उसने इम्प्लीमेंट करना है अपनी उस अमली ज़िंदगी के अंदर, और उस सब्र में ये हमेशा हमारे यह कहता है कि इंतकाम ले लिया, खुद से दौड़ कर उसे बदला ले लिया, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये बड़ा थोड़ा होता है। हमेशा ज़िंदगी जिसकी दायमी होती है, जिस ज़िंदगी को दवाम हासिल होता है, वो हमेशा सब्र की ज़िंदगी बाकी रहती है। जालिम जो है मिट जाता है, वो ख़त्म होने के लिए आया है। तो अब रमज़ान मुबारक का दर्स हमारे लिए ये है कि जहाँ पर हम इस माह मुकद्दस के अंदर, चूँकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि गिने हुए दिनों के लिए तुम्हारे ये रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, चूँकि अब ये जो गिने हुए दिन हैं ये हमारे लिए कोर्स हैं कि हम उसमें सब्र करके इसको इम्प्लीमेंट करें पूरी सोसाइटी पर, पूरे मुआशरे पर इसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे। तो मसलन अभी आपने जब प्रोग्राम का आगाज़ किया मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मसलन बिल्कुल सामने आ गया तो फिर आगे से कहा जी खबरदार जी बस मेरा रोज़ा जी मेरा बागदा था। हाँ, गाड़ी हटाने को कोई तैयार नहीं है। नहीं है तो अब यानी हमने जो रोज़ा रखा हुआ है तो क्या किसी पे एहसान कर रहे हैं? असल में इसका फलसफा जो है वो यही है जी कि हमने अपनी अमली ज़िंदगी को जो है तब्दील करना है। तो सब्र जो है जिस तरह मैंने कल अर्ज़ किया था कि मासूम ने फरमाया कि सब्र का रिश्ता ईमान के साथ वो है जो सर का जिस्म के साथ है, यानी बाकी अज़ा अगर खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता इंसान के मफलू जो है कट जाए, मसलन बाजू नहीं है इंसान जिंदा है, टांग नहीं है इंसान जिंदा है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता सर कट गया तो फिर उसके बाद खत्म हो गया। तो अब यानी सब्र नहीं है तो उसका रिश्ता ईमान के साथ सर की तरह है, तो अब सब्र नहीं रहा तो इसका मतलब यह है तो उसे ईमान भी गोया नहीं, ईमान भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। इतनी ज्यादा यानी इसको जो अहमियत दी गई है। और मैंने अर्ज किया कि चूंकि जो भी सब्र कर लेता है तो सब्र का उसका रिटर्न क्या मिलता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि याद रखें कि जो सब्र कर लेता है, जो शख्स भी सब्र कर लेता है फिर दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। वाह वाह वाह, कैसी वो हमेशा फाते जो सब्र कर लेता है फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। जी जी लैला जुबैरी साहिबा यहाँ पर मौजूद है, आप बताइए कैसा गुजर रहा है आपका रमजान? साथ साथ शूट्स वगैरह चल रहे हैं आजकल? तो ज़रा शुक्र है कि ब्रेक है थोड़ी सी। अच्छा। मैंने जानबूझ के नहीं रखा था क्योंकि शुरू रमज़ान में बहुत मुश्किल लगता है कि अगर साथ में शूटिंग्स भी चल रही हों, मगर आगे तो ज़ाहिर आएगी, सारा महीना तो नहीं घर बैठ सकते तो ईद के ड्रामे वगैरह बनेंगे उसके लिए जाना होगा कराची, थोड़ा सा टफ हो जाता है रोज़ों के साथ, लेकिन अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजर रहा है। बिल्कुल, और वैसे भी रोज़े का मज़ा अपने घर में ज़्यादा आता है, इबादत के लिए भी टाइम ज़्यादा मिलता है, और ये कि आप अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ आप जब रोज़ा खोलते हैं और सहरी करते हैं तो उसका एक मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा, खुद कुकिंग करती हैं आप सहरी इफ्तारी में? थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अच्छा, लेकिन हर बंदे की कोशिश यही होती है कि वो रमज़ान जो है वो घर में गुजारे फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, कोशिश यही करते हैं। क्योंकि हर किसी का अपना तरीका कार होता है, कोई रोजे में क्या खाता है, कोई सहरी में किस तरह की सहरी करते हैं, सबके अपने अपने। हाँ, मेरा तो बल्कि जो इफ्तार पार्टियाँ होती हैं उसमें भी जाने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, इनका भी वैसे यही है कि ये मैं कहती हूँ अपने घर में सुकून से
इंसान जो है वो रोजा खोले। घर का रोजा घर पे आराम से। मेरा एक छोटा सा एक इस पे भी बात करेंगे हम किसी दिन। मेरा थोड़ा सा एक ये है कि अफ्तार पार्टियां हम आपस में ही क्यों करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने दिया हुआ है, हम घर में भी वो खा सकते हैं। अगर हम अफ्तार पार्टियां उनके लिए कर लें कि जो पूरा साल बिरयानी पुलाव नहीं खा सकते तो इस वजह से भी ये इस पे किसी दिन हम बात करेंगे। इनका हमेशा से यही रहा है, मुझे यही हाँ। होता है कि मैं अफ्तार पार्टी के बदले हम वाकई गरीबों को खिला दें, ज़्यादा बेहतर है उसे। और वैसे भी जो बात कर रहे हैं हम सब्र की, तो बिल्कुल सही कहा आपने रैम्बो शुरू में प्रोग्राम के कि रमज़ानों में तो ज़्यादा सब्र कम हो जाता है। बिल्कुल हाँ जी, हालांकि हर शख्स जो है वो लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ है। एक रोज़ा जो है एक तरह से ट्रेनिंग होती है हमारी। बड़ी अच्छी मैं किसी का सुन रही थी तो वो यही कह रहे थे कि जैसे कोई फायरमैन होता है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए असल आग तो नहीं होती मगर उसको उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आग से लड़ सके। तो इस वजह से ये भी एक ऐसा ट्रेनिंग पीरियड होता है इंसान के लिए कि इसमें वो ये सब्र व कनात सीख सके, अपने नफ्स से लड़ सके, अपने नफ्स पे काबू पाना सीख सके। सिर्फ खाना पीना बंद करने का नाम रोज़ा नहीं है बल्कि ये सारी चीज़ें भी रोज़े में बाकी मामलात ज़िंदगी को ऐसे तरीके से गुजारने का नाम भी रोज़ा है। रोज़ा क्या बात है, क्या बात है जी। मरिया साहिबा, आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है? आपकी मसरूफियत उसी तरह जारी है? मेरी उसी तरह जा रही है। आपकी बल्कि इस महीने में तो ज्यादा हो जाती होगी इंसानियत की खिदमत, क्योंकि आपका शोभा है और आपका जज्बा है। जी वो काम भी अपनी जगह, लेकिन कुछ हमारे ज़माने में, यानी अब तो उम्र के आखिरी हिस्से में आ गए ना, सारी उम्र जो गुजारी तो हमारे ज़माने में पाकिस्तान में भी हालात रोज़े में ज़रा मुख्तलिफ होते थे जी। ये जो देर से दफ्तर शुरू होना और जल्दी छुट्टी हो जाना और हम काम नहीं करना चाहते रमज़ान के महीने में, तो हमने तो बचपन में यही सीखा था कि अपनी कमाई को हलाल करना है। तो आजकल तो मैं यही परेशान होती हूँ कि हम काम नहीं करना चाहते और तनख्वाह पूरी लेते हैं, तो एक तरफ तो हम इबादत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी कमाई अल्लाह ताला कबूल करने वाला है वैसे तो, लेकिन सोचने की बात है। इंसान का दिमाग यू नो सवाल तो करता है। सही, तो एक तो ये बात तो सरकारी दफ्तरों में जल्दी छुट्टी करके चले, सारे दफ्तरों में बिल्कुल बैंक भी दूसरे सारे बंद कर देते हैं, तनख्वाह पूरी लेते हैं बैंक वाले सारे तमाम प्राइवेट सेक्टर शायद काम करता होगा, लेकिन बाकी तो हर जगह यही होता है। और दूसरा जो सब्र के हवाले से आप प्रोग्राम कर रहे हैं आज जी, तो अल्लाह ताला बैलेंस करने को भी कहता है अपनी ज़िंदगी, बेशक सब्र करना इस महीने में भी और उसके अलावा भी। ये तो आप कह लें कि हर साल हमें एक मौका मिल जाता है प्रैक्टिस करने का सब्र को, लेकिन सब्र करना तो सारी उम्र ही है बेशक। और एक तरफ सब्र करना बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम रसूल करीम की ज़िंदगी को ही देखें और उनकी ज़िंदगी के दौरान जो हालात थे, तो जब क्या कहते हैं इनको, जो अपने ग़ुलाम जी ग़ुलाम ग़ुलाम जो होते थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जी, उनके ऊपर जब जुल्म हो रहा होता था तो रसूल करीम ने ये नहीं कहा कि बेटा सब्र करो बहुत अच्छी बात है, जुल्म से निजात दिलाना और जुल्म करने वाले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपके सामने किसी को मार मार के मासूम को जान से मार दे और आप कहो कि नहीं अल्लाह ताला ने सब्र के लिए कहा है, आप जुल्म करने वाले का हाथ ना पकड़ो, रोकना पड़ता है, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें अल्लाह ताला ने इतना अच्छा ज़हन दिया है कि हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर सब्र करना बेहतर है और कहाँ पर सब्र करना नहीं। यही बात हम इनसे पूछेंगे जी कि सब्र की इकसाम कहाँ तक एक सब्र करना चाहिए और कहाँ पे किस बात पे सब्र नहीं करना चाहिए, बोलना भी चाहिए, और यही बात आप कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा बताएं। आप देखिए जहाँ तक सब्र के हवाले से बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने जी, कि जो इंसान वो चीज़ें जो इंसान को हलाकत की तरफ लेके जाती हैं, मसलन ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जो इंसान नफ्स मजबूर करता है कि उनको अपनाए, तो यहाँ पर सब्र करना ज़रूरी है और वहाँ उन ख्वाहिशात की तकमील नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, रोज़े की हालत में बाज़ औक़ात पानी पीने को दिल चाहता है जब वो प्यास लगी होती है, या खाना का दिल चाहता है कि इंसान खाना खा ले, तो उससे अपने आप को रोकना ज़रूरी है यहाँ पर जी जी। लेकिन अगर कोई किसी पर कुछ जुल्म कर रहा है, जैसे बात हो रही थी अभी, तो इस बारे में बड़ी वाज़ह हिदायत हमारे लिए हैं
कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनसुर अखा का अज़ालिम अबुल मज़लूम, कि अपने भाई ज़ालिम और मज़लूम की मदद करो। तो सहाबे किराम हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ज़ालिम और मज़लूम दोनों की कैसे, मज़लूम की मदद तो समझ में आती है कि कैसे करें, लेकिन ज़ालिम की मदद कैसे करें जी। तो आपने फरमाया कि तहजुसुहु अव तमनाहु मिन ज़ुल्म फ़ज़ालिक नसर, कि ज़ालिम का हाथ ज़ुल्म से खींचना और उसे रोकना ये ज़ालिम की मदद है, क्योंकि वो ज़ुल्म के ज़रिए से अपने आप को हलाकत की तरफ लेके जा रहा था। तो जो लोग उसको रोकते हैं, ज़ुल्म से रोकते हैं, तो वो ज़ालिम की मदद भी करते हैं। और इसी तरह से मज़लूम को ये पूरा हक हासिल है कि कोई उस पर क्यों ज़्यादती करे। ये ज़्यादती करना या ज़ुल्म करना तो बिल्कुल नाजायज़ और हराम फेल है, तो वो उसका तदारुक करे, लेकिन ऐसे हालात के वो नहीं कर सकता है, वो बेबस है, उसको कोई मदद करने वाला भी नहीं है, लेकिन अब वो सब्र के अलावा उसके बाद और कुछ भी नहीं है, वो क्या कर सकता है। तो इन हालात में अल्लाह तबारक व तआला उसके बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। अच्छा, अब ज़रा इधर भी देख लें, क्योंकि अफ्तारी भी साथ साथ बन रही है, देखें कि दुर्रे शहवार ने आज हमारे लिए क्या बनाया है और बना रही है। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, दूसरा रोज़ा मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आज क्या बना रही हैं आप अफ्तारी में? लैला जी, यहाँ पे अफ्तारी बन रही है, आ जाओ, मैं आप भी आ जाए, आ जाए, आ जाए, वायर लगी हुई है आपको, मैं आपको बुलाती हूँ। अच्छा चले, यहाँ पहले आप देखें जी, आज मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी चना चाट। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें जो है मैंने चने और आलू, टमाटर, प्याज, वो जो चना चाट के लिए होता है वो, और ये जो है। इसकी वो जो है ग्रेवी सी है, ये वो क्या ये है? योगर्ट है, योगर्ट, और मैंने इसमें मतलब खट्टी मीठी इमली का पानी डाला है, इमली का पानी। हाँ, अच्छा। जी, खट्टा मीठा बना के। और इसमें ये मुझे जरा बताएं क्या क्या चीजें कितनी किस क्वान्टिटी में डली है। आ जाए यहाँ पे, मैं खवातीन के लिए जरा आ जाए, चना चाट बन रही है का सामान, क्योंकि ये तो बड़ी फेवरेट होती है लेडीज की ना, इसके बगैर तो अफ्तारी मुझे तो ये भी लगती है। तो इसके लिए जो है मैंने इसमें थोड़ा सी लाल मिर्च डाली है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, नमक है, और इसमें मैंने बाकी ये वेजिटेबल्स जो भी हैं, टमाटर, प्याज, आलू, बॉइल्ड पोटैटोस जो है वो मैंने डाले हैं। अच्छा। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, योगर्ट डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला है साथ। अब मैं ऊपर ये मनपसंद घी में फ्राई करूंगी पापड़ी, और फिर ऊपर जो है वो जो थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी जो उसका टेस्ट आता है वो पापड़ी। अच्छा, ये अभी फ्राई नहीं हुई? नहीं, दोबारा से फ्राई करके उसको ऊपर जी मनपसंद घी में फ्राई करूंगी। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ये भी डलेगा अभी ये? हाँ जी, मैं कुछ ऐड कर चुकी हूँ, बाकी मैं अपने ऊपर ड्रेसिंग के लिए और उसके। अच्छा, ठीक है। और ये तरबूज काट के रखा हुआ है, इसका क्या? आज मैं तरबूज का शरबत बना रही हूँ। तरबूज का शरबत? अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो वो डिफरेंट, क्योंकि अच्छा वैसे रमज़ान में तो ये होता है ना कि दिन शाम को अफतारी करते हैं तो उसके बाद कुछ खाया ही नहीं जाता, ये तो जूसी होता है, रिफ्रेशमेंट होता है तरबूज बहुत ज़्यादा। और उस पर ये कि मैं इसमें सोडा ऐड करूँगी। सोडा? हाँ जी, मतलब इससे क्या होगा, ये मतलब कि लाइट हो जाएगा ज़रा, और क्योंकि तरबूज अक्सर ये होता है कि ऐसे खाने में ज़रा सा हैवी हो जाता है, और अगर उसका जूस निकाल लिया जाए तो लाइट हो जाता जो है। हाँ जी, बिल्कुल लाइट हो जाता है। पूरे दिन आप फास्टिंग पे हैं तो जो कुछ लोग जो हैवी फील कर रहे होते हैं, एसिडिटी फील कर रहे होते हैं, अगर सोडा उसमें ऐड हो जाए तो वो और ज़्यादा जो है आपको रिलीफ देता है। अच्छा, अच्छा, आपकी क्या फेवरेट डिशेज है कि क्या कि जी ये अफतारी में बनना ही बनना है घर में? अफतारी में मेरी दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक पकौड़े और एक फ्रूट चाट। फ्रूट चाट है। अच्छा, आपकी फेवरेट क्या चीज़ है? बस मुझे वही अच्छे पकौड़े अच्छे लगते हैं, रोज़ा खोल के पकौड़ों का मज़ा आता है। हर साल सोचती हूँ कि इस साल हम पकौड़े नहीं बनाएंगे, क्योंकि अच्छा। इतनी फ्राइड चीज़ें खानी नहीं चाहिए, मगर रोज़ा उसके बगैर कुछ अधूरा सा लगता है। अच्छा, वो फील होता है कि पता नहीं क्या रोज़ा हो ही नहीं रहा अफ्तारी। अच्छा, ये भी आपको अभी बन रहा है, और ये अगर आप हमें बताएँ कि ये किस तरह बनाएंगी? ये जो है इसमें मैं ब्लेंडर में डालूंगी तरबूज, अच्छा, साथ लेमन जूस, अच्छा, और चीनी, इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आप चाहें तो इसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, और अगर थोड़ा सा आप सॉल्ट मिंट लीव्स डालते हैं तो वो और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अच्छा, लेकिन पिंच ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि अगर अफतारी में हम ये पी रहे हैं, हाँ जी, तो दूसरे मशरूबात ना यूज़ करें? नहीं, यही रखें। हाँ जी, फिर वो ये कि फिर ये काफ़ी होगा, वैसे ही फुल ऑफ वाटर
एक तरह से देखा जाए पानी होता है इसमें। अच्छा, इससे मुझे ये लगता है कि तरबूज से जो है ना वो प्यास बहुत ज्यादा बुझती है, वो जो अजीब सी प्यास होती है जो पानी भी पिए जाते हैं तो फिर उसमें आप सोडा भी ऐड कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो ही गया। अगर आप अपना अफ्तारी खोलते हैं इस तरह के ड्रिंक और खूब ठंडा करके बेशक आइस बीच में ब्लेंडर में या बीच में आइस डालें, इसको ब्लेंड करें, फिर हाफ ग्लास हम इसमें सोडा डालेंगे। मैं ये करती हूँ जब हमने तरबूज का जूस निकाला हो तो उसमें बर्फ नहीं ऐड करती बल्कि उसको डीप फ्रीजर में बिल्कुल फ्रीज कर लेती हूँ। उसका जूस वो तो सबसे अच्छा होता है, उसी का अपने जूस की जो आइस बनेगी वो ब्लेंड होगा तो उसमें तो कुछ और एक्स्ट्रा है ही नहीं। बिल्कुल, वो तो फालसे का जूस ही बहुत अच्छा होता है, वो भी किसी दिन सिखाइएगा। बिल्कुल, वो हमारा इंशाल्लाह 30 दिन का साथ है, डेली हम नई नई रेसिपीज बता रहे हैं। मजे का बड़ा रिफ्रेशिंग। जी जी, आपके बच्चे क्या चीज ज्यादा शौक से खाते हैं? बस बच्चे तो आजकल आपको बताइए कि जंक फूड ज़्यादा शौक से खाते हैं। उन्हें वैसे भी खाने पीने का इतना शौक नहीं होता आजकल बच्चों को, ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं बहुत। अच्छा। तो उनकी कोशिश ये होती है कि हेल्दी फूड हो, हर चीज़ की कैलोरीज इसकी एक ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगती है जो चना चाट है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। हाँ, चना बॉइल है और योगर्ट भी, अगर आप उसमें मलाई वगैरह ना हो तो योगर्ट भी आप मलाई उतार के, बलाई जो कहते हैं उसको उतार के उसमें मिक्स कर सकते हैं और इमली में वैसे ही कोई फैट को थोड़ा सा ये कुछ भी है कि टेस्ट डेवलप तो करना ही होता है अपना। हाँ, स्पाइसेस हो गए टेस्ट तो ये चाट मसाले का जबरदस्त टेस्ट होता है। चाट एक्चुअली जो होती है ना वो चाट तो आप और फिलिंग भी होती है, सुन के ही सब पता चल जाता है कि फुल ऑफ स्पाइसेस ही होगा चाट। और इमली जो है वो बड़ा अच्छा एपिटाइजर भी है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये शाजे का किचन था और अब हम, मेरा ख्याल है, ब्रेक पे चलते हैं और फिर वापस आकर लैला जी भी साथ हैं हमारे साथ, उलमा हजरात भी साथ हैं, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सादते रमज़ान।